नक्सलियों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ इस बंद को बुलाया गया है। इसे लेकर भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता अभय ने पत्र जारी किया है। वहीं भारत बंद में एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। नक्सलियों की बंदी को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहा है उसे लेकर काफी सफलता भी मिली है सरकार को और पुलिस विभाग को, और काफी हद तक जो इलाके थे उन्हें नक्सल मुक्त कराया गया है, लेकिन इससे नक्सली अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगे हैं। और देखिए भारत बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन इस बंद को लेकर सुरक्षा पूरे राज्य भर में मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि पुलिस के इस अभियान के कारण ही जो नक्सली है वो बौखला गए हैं और शायद भारत बंद है उसका आह्वान किया गया है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने पुलिस के कार्रवाई के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया है, और वैसे में पुलिस ने पूरी तरह से जो है वो सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी है जिन जिन इलाकों में पुलिस को अनुमान है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, अगर कुछ ग्लिच है तो आप एक बार देखें। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये देखिए आज भारत बंद का ऐलान किया है नक्सलियों ने, और इसको लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और सत्यव्रत, हम फिर से आपसे जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, अगर आवाज मिल रही हो आपको हमारी जी। जी सत्यव्रत, भारत बंद का ऐलान किया है नक्सलियों ने। देखिए बिल्कुल मैं वही बता रहा था आरती कि यह जो बचे कुचे मुट्ठी भर जो नक्सली हैं वो समय समय पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए छोटी मोटी घटनाएं करते रहते हैं, और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो उसी कार्रवाई से बौखलाकर यह जो नक्सली है उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने आज पुलिस के कार्रवाई के विरोध में जो है वो भारत बंद का आह्वान किया है, और फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस ने जो है वो जाल बिछा रखी है। सभी सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। फिलहाल अब तक की अगर बात करें तो कोई भी ऐसी घटनाएं जो है वो नहीं हुई है, और उन सभी जगहों पर खासकर सिमडेगा की अगर बात करें तो पुलिस चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या फिर NH हो उन सभी जगहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। फिलहाल जो है कि सारी इलाकों में नक्सलियों ने सत्यव्रत, देखिए रेलवे हमेशा से आसान टारगेट रहा है और हमेशा से इसे निशाना बनाते रहे हैं। चकधरपुर में भी ट्रैक उड़ा दिया गया, परिचालन अब तक बहाल नहीं हो पाया है, तो रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाई है, खासतौर से संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा चौकस कर दी गई है। देखिए बिल्कुल सही कहा, और इस घटना के बाद ही पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है, और यही कारण है कि वैसे सभी जगहों पर जहां यह उम्मीद लग रही है कि हो सकता है यह नक्सली इसी तरह की छोटी मोटी घटनाएं करें उन सभी जगहों पर जो है वो पुलिस ने पूरी तरह से सुरक्षा के व्यवस्थाएं कर रखी हैं। लगातार बड़े अधिकारी जो हैं वो आज भारत बंद को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। ज्यादातर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस वक्त भी क्षेत्र में मौजूद हैं, यानी कि भले ही नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है लेकिन जिस तरह से सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो
केंद्र सरकार हो या फिर पुलिस के जो लोग हैं, जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, यही कारण है कि समय समय पर इन नक्सलियों को भी अपना हाजिरी बनाने के लिए, अपनी अटेंडेंस बनाने के लिए जो है वो इस तरह के बंद का आह्वान करते हैं। तो फिलहाल जो उम्मीद है कि नक्सलियों के इस बंद का कोई खास असर जो है वो शायद देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो नक्सलियों ने भारत बंद का ऐलान किया है और इसे देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।